नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। कल हमने देखा सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में मेनली एडिबल ऑयल्स में लोअर लेवल पर खरीदारी देखने को मिली। शॉर्ट कवरिंग के चलते हमने यहाँ पर एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। हालांकि जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन रहेगा। हमें लगता है कि यहाँ पर हायर लेवल पर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। सोयाबीन सपोर्ट 6860, रेजिस्टेंस 6920, रिफाइंड सपोर्ट एट 1396, रेजिस्टेंस 1420, RM सीड सपोर्ट 7020, रेजिस्टेंस 7150, क्रूड पाम ऑयल सपोर्ट 1134, रेजिस्टेंस 1152। तो एडिबल ऑयल्स में हायर लेवल पे बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। वहीं हमने कल चने के अंदर भी गिरावट आते हुए देखी है। एक्सपेक्टेड है चने के अंदर भी डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो चने में सपोर्ट 5200, रेजिस्टेंस 5330, यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम मसालों की बात करें तो कल मसालों में एक मिलाजुला रुख देखने को मिला। लोअर लेवल पर मार्केट रुकती हुई दिखाई दी। हमें लगता है कि लोअर लेवल पर एक एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। तो मसालों में निचले स्तरों पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। जीरा में सपोर्ट 13600, रेजिस्टेंस 14100, टर्मरिक सपोर्ट 7700, रेजिस्टेंस 7850, कोरिएंडर सपोर्ट 6760, रेजिस्टेंस 6940। मसालों में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम कॉटन कपास की बात करें तो यहाँ पर डिमांड बढ़ने की वजह से और लोअर सप्लाई से एक ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया। साथ में इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने कॉटन के भाव मजबूत होते हुए दिखाई दिए, जिससे डोमेस्टिक मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया है। कॉटन के अंदर सपोर्ट 23500, रेजिस्टेंस 24100। कॉटन में इंट्राडे के लिए भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। आज इंट्राडे के लिए अगर हम देखें तो मसालों में खरीदारी कर सकते हैं। कॉटन कपास कॉटन सीड ऑयल के में खरीदारी कर सकते हैं। वहीं एडिबल ऑयल्स में हायर लेवल पर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं और चने के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड करके चल सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।